YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण वर, कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। प्रिय जिज्ञासु, आज मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य सिंह राशि वालों के लिए दिनांक 28 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य ग्रहों की गोचर स्थिति का वर्णन करने जा रहा हूँ। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य की परिभ्रमण की स्थिति के अनुसार और चंद्रमा की भ्रमण की स्थिति के अनुसार साप्ताहिक राशि फल घटित होता है। बाकी जो अन्य ग्रह हैं जो दीर्घकालीन समय तक किसी राशि पर रहते हैं उनका प्रभाव शाश्वत रहता है जब तक वो बना रहेगा, लेकिन जो साप्ताहिक भविष्य इसी से देखा जाता है। सूर्य इस समय जो चल रहा है वो मीन राशि पर चल रहे हैं। सूर्य मीन राशि के जब सूर्य हैं तो वो गुरु की राशि पर हैं। गुरु की राशि पर सूर्य आते हैं या सूर्य की राशि पर गुरु आते हैं तो शुभ मंगलकारी वर्जित माने जाते हैं। तो इस समय क्या है कि मंगलकारी जो अपने विवाह है, मुंडन संस्कार है और जो अन्य जो अपने उत्सव मनाए जाते हैं वो सब वर्जित माने जाते हैं। भक्ति साधना आराधना तो सबसे अच्छी रहती है, लेकिन जो अपने घर के घरेलू कार्य है जैसे मुंडन संस्कार है, घरूली कार्य है, ये 16 संस्कारों में 2-4 संस्कार वर्जित है, बाकी सब चालू रहते हैं। सूर्य इस समय मीन राशि पर है और आपकी राशि सिंह से अष्टम स्थान पर चल रही है। अष्टमे सूर्य बहुत हानिकारक होते हैं, आपके जो है सो शासन से संबंधित बने हुए कार्य बिगड़ जाएं, कोर्ट मुकदमा में आपका नुकसान हो जाए, आपके पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, राज्य सत्ता से आपके ऊपर रेट पड़ जाए, शासन से संबंधित कोई जो है सो नुकसान हो जाए, ये सब सूर्य करा रहे हैं इस सप्ताह है, कराएंगे। और शुक्रदेव जो अभी मीन राशि पर चल रहे हैं, मीन राशि पर चल रहे हैं वो भी आपके 8वें हैं, तो शुक्र भी आपके 8वें होने से वो हानिकारक है। क्या हानि करेंगे शुक्रदेव इस सप्ताह में? अगर यदि आपको डायबिटीज है तो उससे सावधान रहना, वो बढ़ सकती है। गुप्तांग में चोट चपेट या कष्ट हो सकता है, इससे सावधान रहना। स्त्री जाति से थोड़ा सावधान, विवाद ना हो उससे संभल कर रहना है। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़े या स्वभाव बिगड़े ये भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको इस सप्ताह में सहन स्वीकार करना होगा। बुधदेव कुंभ राशि पर चल रहे हैं और आपकी राशि से सप्तम है। सप्तम बुध व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम फलदायक है, व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा, उन्नतिपूर्ण होगा। लेकिन 1 तारीख से यही बुधदेव बिगड़ करके और नीच राशि पे पहुंच रहे मीन पे केवल 1 तारीख तक ही रहेंगे। 1 तारीख के बाद आपका समय व्यापार का बिगड़ने लगेगा। तो 1 तारीख के बाद नीच राशि के बुध हो जाएंगे, व्यापार में नुकसान करने लगेंगे। ये गुरुदेव की स्थिति क्या है, गुरु मकर राशि पे चल रहे हैं और आपकी जो राशि है सिंह है वो आपकी सिंह राशि से 6वें है। 6वें गुरु क्या करते हैं? 6वें गुरु आपका लोगों की चिंता बढ़ाने वाले रहेंगे, शत्रुओं की चिंता बढ़ाने वाले रहेंगे, लेकिन खर्च अच्छे कार्यों में कराएंगे, मंगल कार्यों में कराएंगे। आपका कर्म क्षेत्र जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधार देंगे और पिता का स्वास्थ्य अच्छा रखाएंगे, पिता का स्वभाव अच्छा रहेंगे, सहयोगात्मक रूप बनाएंगे।
धन और कुटुंब के लिए भी उत्तम फलदायक है। छठ में जो होने ते हैं तो धन और कुटुंब परिवार में सुख शांति समृद्धि ये सब बढ़ने वाला है, ये भी कराएंगे। केवल रोगों की चिंता आपको रहेगी, बाकी सब ठीक रहेगा, गुरु बहुत अच्छा कराने वाले हैं। शनिदेव जो है वो भी छठ में है, रोग शत्रु हंता योग बनाते हैं। रोग और शत्रु इंद्र सबका विनाश करने वाले शनि आपके सप्ताह में बहुत ही अच्छा कार्य कराएंगे, लेकिन खर्च आपका बढ़ा रहेगा, खर्च में कोई कमी नहीं कराएंगे। इस प्रकार से शनिदेव की स्थिति बढ़िया मजबूत जा रही है इस समय। और राहु और मंगल की स्थिति क्या है, राहु जो है आपकी राशि से जो मकर राशि है या वृषभ राशि पर है, वृक मिथुन करक सिंह यानी दसवें हैं, दसवें राहु दसवें मंगल ये दोनों अच्छे हैं आपके लिए। दसम राहु कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाते हैं, लेकिन यह सो कुछ परिवर्तन कराएंगे और काम को अच्छा कराएंगे, आपके जॉब का परिवर्तन हो जाएगा, जहाँ जॉब कर रहे हैं चेंज करना चाहे तो बड़े प्रेम से चेंज हो जाएगा इस सप्ताह में, और उसमें अच्छा लाभान्वित होंगे। मंगल भूमि संबंधी कार्य में लगे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सफलतादायक रहेंगे, भूमि भवन वाहन ये सब आराम सुख सुविधाओं के लिए मंगल बहुत ही मंगल करने वाले रहेंगे। चंद्रदेव 28 तारीख और 29 तारीख को कन्या राशि पर रहेंगे, आपकी राशि से दूसरे रहेंगे, द्वितीय संपत्ति उत्तमाम उत्तम संपत्ति देने वाले हैं, तो धन योग कारक रहेंगे दूसरे दिन, मतलब 28, 29, 30 और 31 को भी तृतीय संपत्ति उत्तमाम वो भी उत्तम संपत्ति देने वाले हैं। तो चंद्रदेव की स्थिति ये बताई। और चतुर्थे कलहा गमा 1 और 2 तारीख को थोड़ा विवादों से सावधान रहना है, अचानक आपका मन मलिन हो जाएगा, इस प्रकार से हो सकता है। और दो और तीन तारीख को तो बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, पंचमी ज्ञान वृद्धिश्च बहुत ही उत्तम फल देने वाले चंद्रदेव रहेंगे। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए ठीक रहेंगे, जो प्रतिस्पर्धा में लगे हुए उनके लिए सफलतादायक रहेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होगी और मित्रों का मिलन होगा, संत महात्माओं का आगमन होगा और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा से बढ़ेगी, इस प्रकार से बहुत उत्तम फलदायक है आपका पूरा सप्ताह जो है मिला जुला फल देने वाला है। मंगल कामना करता हूँ कि सिंह राशि वालों को यह सप्ताह अच्छा बीते। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सिंह राशि वालों का जो मैंने आपको बताया, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बड़े ध्यान से सुने और मेरे इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा फलादेश बताता रहूँगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।